नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो फिर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फिर से मैं बात करने वाला हूं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, वो है टेली प्राइम एडिट लॉग। पर एक्चुअली में जो एडिट लॉग का फीचर है वो आप लोगों का एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर पर नहीं, नॉर्मल पर भी काम करता है। अगर आप लोग नॉर्मल टैली प्राइम रिलीज 2.1 इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी आपको टैली प्राइम का एडिट लॉग फीचर मिल जाता है। तो आप अगर चाहें तो आप यहां पर अपना टैली का एडिट लॉग फीचर एक्टिवेट करने के लिए आप लोग ये वाला सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं आज फिर से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने टेली प्राइम का ये वाला जो वर्जन है डाउनलोड कर लिया है, अब उसी पर मैं आपको वर्किंग सिखाऊंगा। अब जैसा कि बताया था दो सेटिंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में, पहला डेटा से रिलेटेड था कि डेटा कहां पर रखना है, आप लोगों को क्या पाथ होना चाहिए, और दूसरा मैंने आप लोगों को कंपनी क्रिएट करते समय कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया था। चलिए अब धीरे धीरे बात करते हैं कुछ और सेटिंग्स की। तो यहां पर मैंने कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड किया, और अब आप देखिए यहां पर एक बाय डिफॉल्ट कंपनी खुल रही है। कंट्रोल एंटर प्रेस करिए। अब दोस्तों यहां पर एक दिक्कत यह आ रही है कि जैसे ही मैं कंपनी ओपन कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई लोकेशन से कंपनी ओपन हो जा रही है। तो यह एक दिक्कत है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी कंपनी ओपन हो तो इसके लिए भी आपको एक सेटिंग करनी होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अब कौन सी सेटिंग आपको करनी होगी। इसके लिए आपको F1 प्रेस करना होगा और यहां पर आपको सेटिंग्स पर जाना होगा। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप यहां पर जाएंगे स्टार्टअप पर, और स्टार्टअप में यहां पर कंपनी टू लोड में वन कंपनी ऑलरेडी डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगी, जिसे आपको एंटर प्रेस करके यहां पर जीरो करना है। कैसे जीरो करेंगे, यहां पर आपको करना है एंड ऑफ लिस्ट, और जैसे ही आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे अब यहां पर जो कंपनी है वो सिलेक्ट नहीं होगी, आप देख सकते हैं। और जब आप लोड करेंगे यानी दोबारा से टैली बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपको कोई भी कंपनी ओपन वो नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये हो गया पहली सेटिंग। चलिए अब बात करते हैं आगे की सेटिंग्स की। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी आगे की सेटिंग्स की। तो आप देखिए मैं यहां पर टैली प्राइम में आ चुका हूं, और अब कुछ सेटिंग्स हैं जो और भी काम की हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर क्रिएशन से रिलेटेड सेटिंग्स। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आप क्रिएट पर जाए और आप एक लेजर क्रिएट करके देखें। जैसे ही मैं लेजर क्रिएट करने वाली स्क्रीन पर आया तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं जैसे मान लीजिए रवि एक लेजर देता हूं, और रवि लेजर देने के बाद मैंने यहां पर ले लिया है उसे डेटर। ठीक है, तो जैसे ही डेटर लिया आप देखिए मेरी जो सेटिंग्स है यहां पर इस तरह से दिखाई दे रही है। कई बार होता है आप लोगों की काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यहां पर दिखाई देने लग जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को एक तो दिखाई दे रहा है दैट इज बिल बाय बिल का ऑप्शन। ओके, दूसरा आपको क्रेडिट पीरियड भी दिखाई दे रहा है, और तीसरा डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको एड्रेस सेक्शन दिख रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट सही से दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक डिटेल्स दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं दिखाई दे रही है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है मैं बता देता हूं। यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन दिखाई देती थी, वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, जो कि यहां पर नहीं आ रही है जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपको पार्टी के लेजर में कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आपको वो सेटिंग अनेबल कैसे करनी है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको यहां पर F12 प्रेस करना होगा, और F12 प्रेस करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये देखिए मैं यहां पर नीचे आ रहा हूं, लोगों के सामने एक इंफॉर्मेशन आ रही है दैट इज प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। आप इसे जैसे ही यस करेंगे तो अब कंट्रोल ए करने के बाद आपकी यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली जो स्क्रीन है, कॉन्टैक्ट डिटेल वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ये देखिए यहां पर आ गया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा अगर आप वो सेटिंग ऑन कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और सेटिंग्स की। दूसरी खास सेटिंग यहां पर यह है कि जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं तो यहां पर आप लोगों को क्रेडिट लिमिट का एक ऑप्शन होता है वो दिखाई देता है, लेकिन अभी यहां पर क्रेडिट लिमिट का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं शो हो रहा है। तो ये सेटिंग्स कैसे लाएंगे आप लोग, यहां पर आप लोगों को फिर से वही करना होगा F12, और जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे यहां पर क्रेडिट लिमिट का कोई ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको यहां पर जाना है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पर, इसे यस करेंगे, और जैसे ही ये यस करेंगे आप देखें जो डिटेल्स है वो काफी ज्यादा खुलकर दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपको यहां पर क्रेडिट लिमिट का फीचर चाहिए तो आप देखिए यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, इसे यस करिए, और जैसे ही ऑप्शन यस करेंगे कंट्रोल ए करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन अब आ रहा है। क्लियर है,
तो दो सेटिंग्स आपको पता चल गई। दोस्तों तीसरी सेटिंग बहुत ही ज्यादा खास है, वो ये है कि मान लीजिए आप टैली चला रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये वॉइस आ रही है, आप सुन रहे हैं, ये देखिए जब भी मैं कोई लेजर पर एंटर प्रेस कर रहा हूं ये वॉइस हमारे को परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है। तो टैली की ये जो वॉइस है ये भी आप बंद कर सकते हैं, और वो कैसे होगी, बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोगों को F1 प्रेस करना है और यहां पर सेटिंग पर फिर से जाना है, और जैसे ही आप सेटिंग पर जाएंगे यहां पर आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। डिस्प्ले के अंदर जैसे ही आप जाएंगे यहां पर आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा, दैट इज अनेबल साउंड, ये यस हो रखा होगा, इसे आपको कर देना है एंटर प्रेस करके नो, और अब आपका साउंड टैली में नहीं आएगा चाहे आप कोई भी बटन प्रेस करें। तो देखिए ये भी बाय डिफॉल्ट सही हो चुका है, क्लियर है। तो तीन सेटिंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। अब वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा मैं, यहां पर इन सेटिंग्स में आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली। अगर आपकी ये सेटिंग्स नहीं आ रही है तो आप इस तरह से ला सकते हैं। तो और भी बहुत सारी सेटिंग्स के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैड।